इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। हसन अत्तारी हैं, इन्होंने पूछा है कि पेंशन के पैसों से कुर्बानी करना कैसा। अब ये सवाल की सूरत मुझे नहीं समझ आ रही कि पेंशन के पैसों से कुर्बानी करने का क्या मतलब है। कि पेंशन आई है किसी के पास और उस पर इतना माल जमा हो गया कि अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई, ये है मतलब? या फिर पेंशन वाला शख्स किसी को पैसे दे कुर्बानी कराने के लिए, उस पर ख़ुद पे वाजिब नहीं है, तो ये करने का क्या मतलब है? देखिए, अगर पेंशन के पैसे सरकार की तरफ से आते हैं और जिस शख्स पे आए हैं उस पर इतना माल जमा हो गया, मान लीजिए 52.5 तोला चांदी की ख़रीदने की, उस पर इतनी रकम आ गई ख़रीदने जितनी रकम, और वो रकम एक साल तक भी रहती है और उस पर किसी का कर्ज़ा वगैरह नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स पे अगर ज़कात और कुर्बानी वाजिब होगी तो उस पेंशन के पैसों से दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेंशन के पैसों से ज़कात वगैरह अदा नहीं हो सकती, अगर वाजिब है तो की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वो अदा भी हो जाएगी, अगर सवाल यही था तो। पत्थर में